काइंडली स्टार्ट। हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पीकू चूहा। ठीक है, जैसे आपके जीवन में भी कई मुसीबतें आती होंगी ना, तो उनसे घबराना नहीं होता है, तो उसी तरीके की एक कहानी मेरे जंगल में घटी थी। आज मैं सभी को आपको वो कहानी बताऊंगा, ठीक है, और फिर आपको ये समझना है कि उस कहानी में क्या हुआ था और आपने उससे क्या क्या सीखा। चलो हम चलते हैं हमारे पुराने टाइम में जंगल के अंदर। ये वाला से बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। ज्यादा भी नहीं खाना है, पेट खराब हो जाएगा। सोचता हूँ आज खरगोश खाता हूँ। मंत्री जी, कैटरपिलर जी। हाँ जी। जाइए जरा खरगोश को बुला के लाइए। अभी बुला के लाता हूँ जनाब। अरे खरगोश, कैसा है तू? बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, जबरदस्त हूँ। अरे बाबा, तू तो मस्त भी है, स्वस्थ भी और जबरदस्त भी है। और क्या? सुन तो भाई, तुझे ना शेर राजा ने बुलाया है, याद कर रहे अच्छा, शेर राजा ने अचानक क्यों बुलाया है मुझे? अरे कुछ जरूरी काम होगा इसलिए बुलाया है, डर क्यों रहा है? चल चल। खरगोश मन ही मन में कुछ सोचता है। मुझे लगता है कि जंगल में जानवर अब तो कम हो गए हैं। लगता है राजा जी ने मुझे खाने के लिए बुलाया होगा। कुछ सोचता हूँ। कभी सोचने लग गया। अरे वो ना दूसरे शेर राजा ने मुझे बुलाया है, तो पहले मुझे उनके पास जाना होगा ना। आप राजा जी को बोल देना जो आपको भेजे हैं उनको। अरे चलो चलो, उससे बाद में ना। नहीं नहीं, वो राजा बहुत खतरनाक है और बहुत डेंजरस है। मैं पहले उनके पास जाऊंगा। अरे क्या, भी क्या रहता है। चल चल। नहीं नहीं नहीं, पहले आप तो उनको चल। बहुत देर लगा दी, क्या बात है राजा जी। वो दूसरे